गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 6 to 8, आर्ट एक्टिविटी, टॉपिक क्रिसमस डेकोरेशन। स्टूडेंट्स, आज हम डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लावर्स क्रिएट करना है, प्रिपेयर करना है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर मटेरियल जो रिक्वायर्ड है, जूट बैग। स्टूडेंट्स, जो जूट बैग है इसका हमें वर्क करना है, जूट बैग से हमें फ्लावर बनाना है। स्टूडेंट्स, ये जो जूट बैग है इसका यूज करेंगे। सेकेंड है जूट थ्रेड। स्टूडेंट्स, ये है थ्रेड, जो जूट थ्रेड है थ्रेड का यूज करना है। नेक्स्ट है वायर, तो स्टूडेंट्स वायर का यूज करना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स 3 mm या 5 mm वायर आप यूज कर सकते हैं, जो फ्लेक्सिबल वायर है, जो आप कहीं पे भी मूव कर सकते हैं, शेप क्रिएट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये वायर यूज करना है। और नेक्स्ट है फेविकॉल एंड सीजर। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें जूट बैग से फ्लावर प्रिपेयर करना है, तो ऑलरेडी मैंने फ्लावर प्रिपेयर किया हुआ है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे जूट फ्लावर, रोज, से फ्लावर हमें क्रिएट करना है। कैसे करना है, मैं उसका एग्जांपल आपको यहाँ पे बेस टेक्निक आपको मैं दिखा रहा हूँ। हमें यूज करना है जूट बैग और थ्रेड। तो स्टूडेंट्स, ऑलरेडी मैंने जूट बैग में सेफ कर्व सेफ एंड कर्व सेफ, जो हमारा लीफ सेफ है वो हमने क्रिएट किया है। तो ऑलरेडी स्टूडेंट्स, मैंने जो जूट बैग है उसको कट किया हुआ है और शेप हमने प्रिपेयर किया हुआ है डिफरेंट शेप। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें 12 पीस हमें कलेक्ट करना है। स्टूडेंट्स, हमें 12 पीस कलेक्ट करेंगे, तो सेम साइज आप 12 पीस कट करोगे जूट बैग से। और उसकी जो बॉर्डर पार्ट है, तो बॉर्डर पार्ट पर हमें थ्रेड को फेविकॉल से पेस्ट करना है। स्टूडेंट्स, उसके लिए मैंने यूज किया है वायर, जो वायर है, और वायर के ऊपर हमने थ्रेड को रोल किया है। स्टूडेंट्स, हमने ऑलरेडी जो थ्रेड है वो वायर के ऊपर हमने रोल करके पेश किया। स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो वायर है, वायर को हमें टर्न करना है और रोल करना है। स्टूडेंट्स, आप कोई भी शेप आप इजीली क्रिएट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी जो कर्व शेप है, जो यहाँ पे जो कर्व शेप है, सेम शेप मैंने प्रिपेयर किया। और जो हमारा जूट बैग है, जो हमने शेप ऑलरेडी कट किया है, उसकी जो बॉर्डर पार्ट है, यहाँ पे हमें उसको पेस्ट करना है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम फेविकॉल अप्लाई करेंगे, जो बॉर्डर लाइन है यहाँ पे फेविकॉल अप्लाई करेंगे। तो स्टूडेंट्स, जो बॉर्डर पार्ट है यहाँ पे हमें फेविकॉल अप्लाई करना है। उसके बाद हमें जो थ्रेड, जो वायर है, जो जूट बैग, जो जूट थ्रेड से हमें जो वायर को हमने रोल किया हुआ है उसको हमें पेस्ट करना है। स्टूडेंट्स, आप डिफरेंट सिमिलर से 12 पीस आप कलेक्ट करोगे, और 12 पीस को कलेक्ट करने के बाद स्टूडेंट्स को हमें डिफरेंस को हमें ज्वाइन करना है। तो स्टूडेंट्स, हमने ऑलरेडी थ्रेड को और जो वायर है, तो हमने ऑलरेडी वायर, हमने और भी लॉन्ग वायर है हमारे पास, तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे इसको रोल करना है। तो इसको हमें 4 पीस को हम कलेक्ट करेंगे, और ये 4 पीस को हम थ्रेड से हम टाइट करेंगे। स्टूडेंट्स, आपका जो ये शेप है, ये जो फ्लावर है, जो 12 पीस आप अरेंज करके उसको पेस्ट करोगे, तो आपका जो ब्यूटीफुल फ्लावर है जो हमने ऑलरेडी प्रिपेयर किया है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको वायर का जो बंच मिलेगा आपको। स्टूडेंट्स, आप एक्स्ट्रा यहाँ पे लीफ शेप, हमारा जो लीफ शेप है, तो आप लीफ और भी लीफ ऐड कर सकते हैं, और आप थ्रेड को रोल कर सकते हो। स्टूडेंट्स, ये आपको प्रिपेयर करना है। सेकेंड हमने फ्लावर बनाया रोज, उसमें हमने रोज के लिए हमने यूज किया है सर्कल से। इसमें यहाँ पे हमें सर्कल से 12 पीस स्मॉल, तो यहाँ पे जो सर्कल है, तो यहाँ पे साइज हमें धीरे धीरे बढ़ाना है, बड़ी साइज में 12 पीस कलेक्ट करना है। टोटल 12 पीस हमें कलेक्ट करना है, तो ऑलरेडी हमने प्रिपेयर किया हुआ है। उसमें से यहाँ पे आप हार्ट शेप भी ऐड कर सकते हो सर्कल से, तो ऑलरेडी हमने पेश किया हुआ है। बॉर्डर पार्ट थ्रेड से हमने पेश किया है, और जूट बैग का यूज किया है, जो शेप है उसके जो आउटर पार्ट है, आउटर लाइन, यहाँ पे हमने जूट बैग और थ्रेड जो वायर है उसको रोल करके हमने यहाँ पे बॉर्डर पार्ट पे हमने अप्लाई किया है, पेस्ट किया हुआ है। तो उसमें 12 पीस आप कलेक्ट करोगे, तो इसको आप शेप में टर्न कर सकते हो। तो उसमें यहाँ पे हम फर्स्ट पार्ट हम टर्न कर रहे हैं, सेकेंड पार्ट हम यूज करेंगे, जो स्मॉल है उसके ऊपर थोड़ा सा बड़ा पार्ट यूज करेंगे,
और हम रोल करेंगे, और जो वायर है उसको हमें रोल करना है, सुबह से ये फिक्स होता जाएगा। नेक्स्ट पार्ट एक्सटेंड करना, रोल करना है, सुबह से जो फ्लावर है रोज, हमें यहाँ पे रोल करना है, यहाँ से रोल करने से फिक्स होता जाएगा। जो यहाँ पे हम रोज प्रिपेयर कर रहे हैं, जो ऑलरेडी हमने 12 पीस कलेक्ट करके रखे थे, 12 पीस को हम यूज कर रहे हैं। जो हमारा जो फ्लावर है रोज वो आप बना लोगे। जो यहाँ पे मैंने आपको फ्लावर, यहाँ पे हमारा जो रोज फ्लावर है वो क्रिएट हो रहा है, और ऑलरेडी हमने एक फ्लावर को हमने क्रिएट करके रखा है। उसमें से यहाँ पे हमें जूट बैग का यूज करना है, और डिफरेंट फ्लावर आप क्रिएट कर सकते हो, शेप क्रिएट कर सकते हो। तो उसमें से आपको यहाँ पे रिंग ऑलरेडी मैंने बना लिया है, इसके बॉर्डर पार्ट पे फेविकॉल पेस्ट करना है, और जो आपका जूट बैग है तो जूट बैग के ऊपर आप डायरेक्ट पेस्ट कर सकते हो, उसके बाद उसको कट कर सकते हो। तो बॉर्डर पार्ट आप कट करोगे तो ये पार्ट यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा ड्राई होने के बाद, तो आप उसको शेप को कहीं पे भी मूव कर सकते हो, शेप चेंज कर सकते हैं हम। उसमें से ये एक्टिविटी आपको एज ए क्रिसमस सेलिब्रेशन में आपको वर्क घर पे बैठ के कंप्लीट करना है, और हमने जो स्कूल आईडी है उसमें स्कूल आईडी पे हमें सेंड करना है। उसमें आप जो स्कूल आईडी पे सेंड करोगे तो हमारा स्कूल आईडी है bdtsjs@gmail.com। इसमें सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है, तो जो आप सेंड करोगे तो आपका नेम और क्लास मेंशन करना है, एंड सेकेंड जो पार्ट है कि क्रिसमस आपका टॉपिक है, क्रिसमस डेकोरेशन। इसमें जाकर आपका जो फोटो है फोटो क्लिक करना है, जो आपने जो प्रिपेयर किया है उसका फोटो क्लिक करना है, और स्कूल आईडी पे आपको सेंड करना है। स्टूडेंट्स ये जो वर्क आप घर पे बैठ के बनाओगे, क्रिएट करोगे, इसका जो फोटो है, जो वर्क का फोटो है वही सेंड करना है, जो अपना स्कूल आईडी है bbsjs@gmail.com और प्लस नेम एंड क्लास। ओके स्टूडेंट्स, तो ये एक्टिविटी आपको कंप्लीट करना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।